वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वन सेकेंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर मैडम आपको पता होगा मैंने बताया था 6 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होती हैं, राइट? हाँ जी कौन कौन सर, सी थी, कौन कौन सी थी? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, फिर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, राइट? और फिर क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी क्लस्टर और मल्टी स्टेज। 6 होगी ना, बड़ी ईजी है, राइट? जी और दूसरी तरफ देर आर 4 नॉन प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसमें 4 थी आपको याद होगा। कौन कौन सी थी उसमें से 4? कोटा वाली, जजमेंटल कोटा वो वाली थी जो, हाँ वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, वो 4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कन्वीनियंट सैम्पलिंग, सेकंड जजमेंटल सैम्पलिंग, थर्ड कोटा सैम्पलिंग और फोर्थ थी हमारी, कौन बताएगा? स्नोबॉल, स्नोबॉल शायद सर, स्नोबॉल। लेकिन वेरी गुड, वेरी गुड। शायद नहीं, पक्का ही, पक्का ही स्नोबॉल है, आपने सही आंसर दिया है, ठीक हो गया। अब ये इजी वन है, 6 उधर से याद कर लो, 4 उधर से याद कर लो, ओरली आपको याद ही है और दीज आर वेरी सिंपल। अच्छा, इसमें सिंपल क्या चीज है, आसान क्या चीज है? आसान ये है कि व्हेन यू आर राइटिंग द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसमें यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट कि एवरी पर्सन गेट्स द इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड इन द सैंपल, ठीक हो गया ना? ये प्रोबेबिलिटी वाला ना, प्रोबेबिलिटी वाला है, वेरी गुड। अब नॉन प्रोबेबिलिटी का जब लिख रहे होंगे चारों आप, कन्विंसिंग, कन्वीनियंट और स्नोबॉल, कोटा सैंपलिंग, तो उसमें आपने ये लिखना है नॉट एवरी पर्सन इन द पॉपुलेशन गेट्स द इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, राइट? तो ये आपकी वो दोनों हो गई हैं। अब इसके अंदर आ गया, अब उसके बाद आ जाएगा एक आप इंपॉर्टेंट और कर लेना शॉर्ट नोट के लिए इसमें से, सैंपलिंग एरर क्या होता है और हाउ टू रिड्यूस द सैंपलिंग एरर, ठीक हो गया? Sampling Done? Error and how to reduce sampling reduce error. Reduce the sampling error. Right, sisters? Sister yes. Nancy and others all, yes, all sir, are joining, yes. Na? All are joining, na? Yes. Yes, yes. Okay. और उसमें से एक ये कर लो और फिर एक कर लो सिस्टर, वो बहुत ही इजी है, नेक्स्ट वन। 4 क्वेश्चन ही सिर्फ, अगर आप इफ यू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस ना, आपका इस सेक्शन ये वाला पार्ट हो जाएगा। रिसर्च टूल्स कर लो, दिस इज वेरी इजी रिसर्च टूल्स, ओके? बस क्वेश्चनेयर क्या होता है, पता क्यों मैं बोल रहा हूँ रिसर्च टूल, बिकॉज साइकोलॉजी में भी आपको वो है, क्वेश्चनेयर टूल है आपको, जो आप करते हो। इसमें एक तो रेटिंग वाला था, 1, 2, 3, 4 रेट करना था, एक स्टार्स वाला था, वही वाले ना हमें, वही वाला यही हमने करना है। इससे हमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि साइकोलॉजी वाला पार्ट भी हमारा कवर हो जाएगा, कौन सा? पर्सनैलिटी वाला, अगर आपको याद है तो। सर ये शॉर्ट नोट के लिए करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए? लॉन्ग के लिए मैडम आता होता है, लॉन्ग के लिए। मैं आपका पेपर देख भी रहा था पिछली बार, लॉन्ग में आया हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेटिंग स्केल, राइट द टाइप्स ऑफ द रेटिंग स्केल। ओके, हाँ, तो ये आपने सभी ने, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अटेम्प्ट द पेपर, टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन रिसर्च टूल्स, बिकॉज व्हेन यू अटेम्प्ट द रिसर्च टूल्स तो आपका ये साइकोलॉजी भी में कवर हो गया। आपका साइकोलॉजी का एक टॉपिक था, सैमुअल सर वाज, यू नो, लास्ट वीक ही वाज टेकिंग द लेक्चर, उसमें था असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, था ना? असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तीन तरह की असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी होती हैं, कौन कौन सी? ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव और सब्जेक्टिव टेक्निक, राइट? तो उसके अंदर भी क्वेश्चनियर, रेटिंग, एटीट्यूड, ये चीजें आ जाएंगी। तो आपका वो, आपका ये देखो, एक आप कवर करते हो तो दोनों पेपर आपके कवर अप हो रहे हैं, ठीक हो गया? क्लियर जी सर? ओके, नेक्स्ट अब आ जाओ सेक्शन बी पे। सेक्शन बी का हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चंस विल कम एंड वी हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन, ओके? सिस्टर शांति हैज जॉइंड, ओके। 4 क्वेश्चंस विल कम, यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यू नो रिमेंबर कि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल कुछ नहीं करना इसमें से, ठीक हो गया? राइट सिस्टर शांति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सिस्टर शांति। तो सेक्शन बी में व्हाट यू हैव टू डू, एक तो न्यूमेरिकल नहीं करना, सारों का थ्योरी याद कर। हाँ गुड इवनिंग जी सिस्टर, मैं ना अभी पेपर 4 का बता रहा हूँ आपको ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके? तो अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो सेक्शन ए में मैंने बताया फर्स्ट करना है एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग, स्टेप्स, टाइप्स, लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और एथिकल इश्यूज। सेकंड आपको रिसर्च प्रॉब्लम और एक सैंपलिंग का करना है यहां से, और रिसर्च टूल करना है, बिकॉज व्हेन यू अटेम्प्ट द रिसर्च टूल
तो रिसर्च टूल विल कवर द पेपर टू ऑल्सो साइकोलॉजी का असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी राइट. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी. इसमें से देखिए क्या करना है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है. फर्स्ट तो आपने वही क्वेश्चन करना है, वट इज दर्पज पर्पस या इंपॉर्टेंस स्टेटिस्टिक्स का क्या है एजुकेशन के अंदर राइट. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ना, हाँ मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस वो सारा मैंने ना नोट्स में भी दिया हुआ है, बुक में भी आप वहां से भी आप देख सकते हैं चाहे ठीक है. इफ यू वांट टू गो इन यू नो डेप्थ इन डिटेल ओके. एक यहां से कवर अप हो गया और एक आपको शॉर्ट नीचे का आएगा रिलेशनशिप का जो मैं आज डिस्कस करूंगा ओके. एक ये वाला हमने करना है और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है एनपीसी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए. एनपीसी मीन्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व राइट. ओके हाँ सर, इसका सारा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज सब करना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एनपीसी की प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन ठीक है. और अगर आप इफ यू वॉन्ट टू यू नो डू दैट तो ये मेजर ऑफ रिलेशनशिप का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड की अजम्पशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है. कौन सा वाला किसमें? मेजर ऑफ रिलेशनशिप सेक्शन बी का सेकंड पार्ट. अच्छा प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड की अजम्पशन शॉर्ट नोट की बात कर रहा हूं मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट नोट प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड ऑफ कोरिलेशन की अजम्पशंस. अजम्पशंस यस राइट. आपको याद ही रख लेना बस प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है ये दिया था कार्ल पियर्सन ने और रैंक ऑर्डर कोरिलेशन स्पीयरमैन ने दिया था. दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे राइट. तो अब आसान हो गया ना अपना, दोबारा से करें डिस्कस इसको राइट. सेक्शन ए में कौन सा टॉपिक करोगे? वंस अगेन एजुकेशनल रिसर्च और रिसर्च प्रॉब्लम्स ठीक है. फिर सैंपलिंग और रिसर्च टूल्स. सेक्शन बी में इंपॉर्टेंस मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन एजुकेशन राइट और एनपीसी प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन. और मेजर ऑफ रिलेशनशिप में इसका रिलेशनशिप क्या है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड और रैंक कोरिलेशंस मेथड. ठीक हो गया. तो सबसे पहले ना मैं आई विल टेल ऑल ऑफ यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू ऑल ऑफ यू. फर्स्ट डू द 50% पार्ट ऑफ द सिलेबस सो दैट यू शुड बी श्योर कि आपका 100% अटेम्प्ट हो जाएगा ओके. 50% करने आपने चारों पेपर का, पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर, ओनली 50% पार्ट करो राइट. उसके बाद फिर टाइम अगर बचता है फिर हम हल्का हल्का थोड़ा सा उसका पढ़ लेंगे उसको बाद में. ठीक हो गया सर. इन पेपर्स प्लीज मेक अ स्टैंडर्ड लाइन लाइक दिस ओनली. हाँ जी पार्डन. इन ऑल द पेपर्स प्लीज मेक स्टैंडर्ड लाइन लाइक दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दैट वे. या ओके राइट फ्रॉम ऑल ओके. तो पेपर शुड आई ओपन फिर दिस फर्स्ट? हाँ यस सर ओपन. ओके अभी आपके पास सिलेबस आपका सेक्शन ए सेक्शन बी उसकी स्लाइड में देखना पड़ेगा ना. मैंने सिस्टर लगाया नहीं हुआ ना यहाँ पे सेक्शन ए सेक्शन बी. Should I open in my, you know, mobile phone? Okay, if you have the syllabus. Yeah, okay, if I try to open here. Okay. आपने भेजा था ना syllabus, we have it. मैंने भेजा था. Sister Nancy कह रही हैं कि जैसे paper 4 का किया है ना वैसे ही सारों को एक बार कर लो. जैसे ना पेपर 4 का बताया सारे कर लो तो मैं वैसे ही करता हूँ राइट. तो अभी सर इसके बाद कौन सा पेपर बता रहे हो आप अभी? मैं ओपन कर रहा हूँ मैडम देखता हूँ ठीक है कौन सा ओपन हो रहा है राइट. बिकॉज पीपीटी में लगा हुआ है तो ना फिर इजी नजर आ जाता है ना. टेंथ जनवरी
आज ये आज पहले डिस्कस यही करते हैं, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हाँ जी सर, लास्ट क्लास, दैट इज व्हाई वी आर। नहीं, श्योर 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 सिस्टर, यही करेंगे आज, ठीक है। और सिस्टर क्लास लास्ट है, डजंट मैटर, आप कभी भी कॉल करके कुछ भी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ, इट डजंट मीन। मैंने ना सिलेबस, आई हैव डाउनलोडेड द सिलेबस, राइट। This is your syllabus, okay. ठीक है सिस्टर, आ रहा है नजर आप सभी को? Yes sir, yes. ठीक हो गया ना, right? चलो, now it is visible? Yes sir. Right. Okay. तो हम starting from the paper one. Okay. ये paper one आ गया, right हमारा? Yes sir. पेपर वन में आप नोट कर लो, पेन ले लो, आप पेन और कॉपी या टिक मार कर लो, आप जहां भी आपके पास है, राइट। तो सेक्शन ए में प्रिंट आउट रख लो, आप बोलते रहो, मैं टिक कर रही हूं। आप टिक करते रहो, राइट। तो सेक्शन ए में हमने करना है पहला, सबसे सिंपल, हम क्योंकि ना बिकॉज हमारे पास वी हैव द चॉइस, तो वाई टू अटेम्प्ट डिफिकल्ट वन, फर्स्ट हमने इजी करना है और हमने ये देखना है इट कैन बी लेंथी और अप टू 7 पेजेस इसके फिलअप हो जाएंगे, राइट। तो सेक्शन ए में फर्स्ट हमें करना है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, कंसेप्ट, नेचर, स्कोप एंड फंक्शन, राइट। ओके ओके, एंड सेकंड करना है हमें एक्सियोलॉजी एंड एजुकेशन, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। एक्सियोलॉजी मतलब वैल्यूज क्या चीज होती है, राइट। मीनिंग, क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ वैल्यूज एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन इनकल्केशंस ऑफ वैल्यूज, मींस इट इज वेरी मच कंसर्नड, या यू नो अकॉर्डिंग टू यूर, बिकॉज यू आर टीचिंग इन द स्कूल्स, यू नो इट इज वेरी इजी वन, कि भाई यू हैव टू क्रिएट द वैल्यू अमंग द स्टूडेंट, राइट। तो वैल्यू के लिए आपको, हाँ, व्हाट थिंग्स यू हैव टू डू, तो दिस इज वेरी इजी। तो सेक्शन ए में हमें वी हैव टू डू फर्स्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, कंसेप्ट, नेचर, स्कोप एंड फंक्शन, एंड सेकेंड एक्सियोलॉजी एंड एजुकेशन, जिसके अंदर मीनिंग, क्लासिफिकेशन, हायरार्की एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन इनकल्केशन वैल्यू। डन, ओके सर, राइट। फर्स्ट हम पहले ये करेंगे, फिर हमारे पास टाइम बचता है तब हम सेकंड दूसरी की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया, राइट। ऑल ऑफ यू, यू नो इट इज रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, एंड सेक्शन बी आ जाओ। हां जी, सेक्शन बी में आ जाओ, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी। अब इसमें देखो, नो नीड टू डू द आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, क्योंकि ये सारी ना बीएड के अंदर आई हुई है ना, आपको पता होगा। तो नाउ यू आर डूइंग द एमएड, तो नेचुरली बात है एमएड के अंदर वो या तो एग्जिस्टेंशियलिज्म डालेगा या मार्क्सिज्म डालेगा, ठीक हो गया। तो इसमें से दो इज्म करने हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म और मार्क्सिज्म। डन, हाँ, बस उनका क्या क्या करना है, तीन चीजें करनी है जो मैंने बताया था। फर्स्ट उनका मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ इज्म, सेकंड मेजर फैक्ट्स, अंडर द मेजर फैक्ट्स थ्री थिंग्स यू हैव टू डू, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, और थर्ड क्या था, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, और अंडर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अगेन थ्री थिंग्स यू हैव टू डू, एम्स ऑफ एजुकेशन, और क्या था, करिकुलम और मेथड्स ऑफ टीचिंग, राइट। सर एक बार दोबारा बता दो, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड, तीन चीजें करनी है मैडम इज़म्स के अंदर, तीन चीजों में क्या है, पहला करना है मीनिंग एंड हिस्ट्री, हाँ जी, राइट, मतलब इज़म्स की मीनिंग और हिस्ट्री क्या होती है। सेकंड हमें करना है उसके मेजर फैक्ट्स, मेजर फैक्ट्स के अंदर तीन चीजें आती हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, ठीक है। थर्ड हमें करना है इम्प्लीकेशंस इन एजुकेशन या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ठीक है, उसके अंदर भी तीन चीजें ही करनी है हमें, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, ओके। नो नीड टू डू दैट बिग टीचर कैसा होना चाहिए, वेल, और बाकी चीजें नहीं करनी, सिर्फ तीन चीजें ही करनी है जी। और कम से कम आपका आधे पेज का या वन पेज का कंक्लूजन जरूर होना चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो लास्ट में, ठीक हो गया। तो
ओके उसके बाद आ जाओ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी. इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है वेदांत, वेदांत फिलोसफी और बुद्धिज्म की. वेदांत, बुद्धिज्म और सांख्या, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस्लामिक और सिखिज्म बड़ी इजी वन है. इनमें से आपको तीन करनी है, सांख्या, वेदांत और बुद्धिज्म. इन तीनों का भी मीनिंग और हिस्ट्री करनी है. सेकंड पे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी करनी है. और थर्ड नंबर के ऊपर आपको यू हैव टू टेल द एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ सांख्या, वेदांता, बुद्धिज्म. उनमें आपने एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग और करिकुलम. राइट, राइट सिस्टर, ऑल ऑफ यू क्लियर हो गया आपका पेपर वन का? शुड आई गो टू पेपर टू? Should I go to paper two? Okay, yes, sir. Right? Yes, paper. हाँ, paper one clear हो गया ना. Now paper two. This is your paper two. Psychology of learning and development. Okay. इसके अंदर आ गया section A. Right? अब इस section A में भी four questions आएंगे. Out of a four questions, you have to attempt two. Right? अब first do the educational psychology. Concept, scope and contribution. It is a very easy. Contributions का मतलब है scope ही हो गया वो, same हो गया उसका, right? वो 6-7 points जो थे. Learner, learning needs उसका सारा. मतलब what is the contributions in the field of education? What is the contribution of education psychology in the field of education? Right? और ये तीनों method बड़े easy method है. Experimental, case study और observation. तो यहाँ पे ना मैं I just want to tell you one thing. क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करना है टॉपिक को, बिकॉज ऑलरेडी 50% चॉइस हम ले चुके हैं. ठीक है ना जी? तो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रीब्यूशन करके छोड़ दिया, तो इसको पूरा करना है हमने. राइट, यस. उसके बाद आ जाओ आप सेक्शन फोर. सेक्शन फोर हम पूरा करेंगे. राइट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस का बड़ा क्वेश्चन मैडम कभी नहीं बनेगा. ठीक है, ऑलवेज इंटेलिजेंस का ही बनेगा. इंडिविजुअल डिफरेंस तो बड़ा शॉर्ट टॉपिक है. राइट, कॉजेस क्या होते हैं, इंटर, इंटर और इंट्रा इंडिविजुअल. आप कह रहे हो कि इंटेलिजेंस वाला टॉपिक करना है. फोर्थ का आपको पूरा करना है. जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है शॉर्ट के लिए करने हैं. और इंटेलिजेंस की यहाँ पे तीन थ्योरी है. कौन कौन सी है? कटेल की थ्योरी है, गार्डनर की है और गिलफोर्ड की है. राइट जी, कटेल ने क्या बोला था, कटेल की थ्योरी में क्या उसने बात की थी इंटेलिजेंस. गार्डनर की तो वो 8 टाइप्स हैं थ्योरी की. राइट, आपको पता ही होगा 8 टाइप्स है ये. राइट, लिंग्विस्टिक है, स्पेशल है. राइट, वर्ड फ्लुएंसी, 8 टाइप ये होगी हैं. और गिलफर्ड का आपने वो मॉडल करना है. गिलफर्ड का जो मॉडल है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, SOI मॉडल. ओके, गिलफर्ड के मॉडल में तीन चीजें उसने बताई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. क्या क्या थी? कंटेंट था, फिर ऑपरेशन था और प्रोडक्ट था. राइट, कंटेंट के आगे 5 पार्ट थे, ऑपरेशंस के आगे 5 पार्ट थे और प्रोडक्ट के आगे 6 पार्ट थे. राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिलफर्ड की थियोरी. SOI मॉडल बोलते हैं गिलफर्ड थियोरी को. ठीक है, अच्छा एक चीज और, समटाइम ना वहां पे आ जाता है क्वेश्चन 3-dimensional मॉडल, तो कंफ्यूज नहीं होना. 3-dimensional मॉडल भी गिलफर्ड को ही बोलते हैं. राइट, राइट ऑल ऑफ यू, ओके. गिलफर्ड के मॉडल को ही 3-dimensional मॉडल बोला है. राइट, SOI मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट. राइट, और उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट जरूर करनी है सभी ने. ओके, इंटेलिजेंस टेस्ट कितनी तरह के होते हैं? बेसिकली तीन तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं. राइट, वर्बल और नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट. ओके, और सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी सिंपल है, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस. तो सेक्शन पेपर टू का सेक्शन ए में आपको फर्स्ट वाला पार्ट यू हैव टू स्टडी एजुकेशनल स्टडी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और तीन मेथड. फोर्थ वाले पार्ट में आपको फोर्थ वाले पार्ट में इंटेलिजेंस की तीन थियोरीज करनी है, कटेल, गार्डनर और गिलफर्ड. कटेल ने क्या कहा था मुझे याद करवाओ. कटेल वाज टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स ना, ऑब्जर्वेशनल मॉडल और मेटाफिजिकल, ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग और मेटाफिजिकल थिंकिंग, है ना? राइट,
कटेल में ये करना है। गार्डनर ने 8 इंटेलिजेंस की बात कही थी और गिलफर्ड ने 3 डायमेंशनल मॉडल दिया है, उसकी बात है। क्लियर? यस राइट। अब सेक्शन बी आ जाओ। सेक्शन बी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी। ओके, पर्सनैलिटी की यहाँ पे 4 थियोरीज हैं। आलपोर्ट की थियोरी है, एरिक्सन की है, बेंड्यूरा की है और बिग 5 मॉडल है। ओके, आलपोर्ट की बड़ी ही इजी थियोरी है। आलपोर्ट टॉक्स अबाउट द 3 ट्रेट। आलपोर्ट को ट्रेट थियोरी बोलते हैं। कौन कौन से 3 ट्रेट थे? कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और थर्ड कौन सा था? एक और ट्रेट था, वो आप देख लेना, ठीक है? आलपोर्ट की 3 ट्रेट थियोरीज थी, राइट? अब आ गया एरिक्सन। एरिक्सन की थ्योरी थी, एरिक्सन टॉक्स अबाउट द, यू नो, इसने भी 2 बात कही थी, बेंड्यूरा और बिग 5 मॉडल। अब ये जो है ना, इसका पर्सनैलिटी असेसमेंट, इसको टूल्स बोलते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव। इसके अंदर आपके क्वेश्चनेयर टूल्स आएंगे, एटीट्यूड्स आएंगे, रेटिंग स्केल्स आएंगे। ये सेम टूल्स हैं विच वी आर डूइंग इन द रिसर्च, जो रिसर्च टूल्स हमने वहां पे किए हैं, ठीक हो गया? तो आपका ये क्वेश्चनेयर और तीसरी चीज आपने क्या कही है इसकी? पर्सनैलिटी में 2 चीजें करनी है, पर्सनैलिटी की थियरियां करनी है, 4 थियरी और पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल्स करनी है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव, ठीक हो गया? राइट, ये हो गया इसमें से। और इसमें से सेकंड वाला पार्ट यू कैन डू अबाउट मेंटल हेल्थ भी इजी है, कॉन्फ्लिक्ट वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस इजी बनते हैं। लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन आया हुआ था इसका, मोटिवेशंस का, ठीक है? एक कर लेना, हल्का सा क्वेश्चन, छोटा ही बन रहा है अगर आ जाए तो, राइट? स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसिंग द मोटिवेशंस, अदरवाइज क्रिएटिविटी कर लो आप इसमें से, क्रिएटिविटी, क्योंकि कंफ्लिक्ट, बैरियर्स, ये ना बड़े सिंपल हैं, ये कोई बड़ा क्वेश्चन इनका बन नहीं रहा, अगर बना तो 3-4 को मिला के बनेगा, राइट? तो अदरवाइज वो बड़े क्वेश्चन, तो क्रिएटिविटी का आप करो। सेक्शन बी का पर्सनैलिटी और क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, मोटिवेशंस और क्रिएटिविटी, तो पहले आप इतना कर लो आप इसका, ठीक है? फिर टाइम मिले तो बाकी की तरफ चले जाना, अदरवाइज आपका पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा, राइट? और फिर मैं बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर का पेपर, आई हैव गिवन यू द लास्ट ईयर पेपर, लास्ट ईयर का पेपर सारा अटेम्प्ट करना है, हमने छोड़ना नहीं है उसको, ठीक हो गया? राइट, ऑल्दो टुडे इज द लास्ट क्लास, बट फिर भी आप मुझे ना मैसेज कर सकते हो कि ललित सर ये समझ नहीं आ रहा या ये नहीं आ रहा, इसका नोट्स बना दो, मैं आपको नोट्स बना के मैं सेंड कर दूंगा, राइट? इनफैक्ट अभी मुझे टाइम मिला, इनफैक्ट आई गेट ए टाइम, तो मैं एक वीडियो खुद ही ना रिकॉर्ड करके वीडियो भी सेंड कर दूंगा आपको, ठीक हो गया? राइट, ये हमारा 2 हो गए पार्ट, ठीक है? अब आ गया पेपर 3। पेपर 3 बड़ा इजी है, आप ये देखें, इसके अंदर पहले तो सेक्शन ए के अंदर ये सारा आपने किया ही हुआ है, एजुकेशन मीनिंग कंसेप्ट स्कोप एंड एम्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या होते हैं, राइट? इसके अंदर आपने करना है सेक्शन ए के अंदर सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट की ये 2 थियोरी है, एक बिहेवियरिज्म थ्योरी है, एक कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है और क्रिटिकल पेडागोजी है, ठीक हो गया? आपने ट्रायल एंड एरर और स्किनर की थ्योरी की है ना, उसमें स्किनर की थ्योरी करवाई है ना सैमुअल ने आपको लास्ट वीक। यस, स्किनर की थ्योरी, क्या नाम था उसका? ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट, हाँ ऑपरेंट। तो सिस्टर वो जो स्किनर था ना, स्किनर वॉज द बिहेवियरिस्ट, राइट? यस, तो बिहेवियरिज्म में सारा वही आएगा, स्किनर की बात आएगी, थॉर्नडाइक की बात आएगी, उन सभी की बात आएगी, ठीक हो गया? और जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये भी थ्योरी दी है कंस्ट्रक्टिविज्म की, मतलब वी, इसका मतलब ये है, बिहेवियरिज्म तो इट टॉक्स अबाउट देयर इज ए नीड ऑफ एनी स्टिमुलस, हमें स्टिमुलस चाहिए फिर हम रिस्पोंड करते हैं, यानी कि दिस इज कॉल्ड SR थ्योरी, यानी कि इन्वायरमेंट से हमें स्टिमुलस मिलता है, हम रिस्पोंड करते हैं। और कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी कहती है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी मतलब बिहेवियरिज्म थ्योरी की बिल्कुल अपोजिट है। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहते हैं कि नहीं, वी कंस्ट्रक्ट अवर ऑन थिंकिंग, हम अपनी थिंकिंग से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जबकि बिहेवियरिज्म क्या कहता है कि देयर इज नो पार्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, ठीक हो गया? क्लियर ना? आइडिया मैंने आपको दे दिया है, आप पढ़ोगे तो इजिली आपको आ जाएगा यहां से। अब ये कुछ ना टेक्स्ट है यहाँ पे, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए एजुकेशनल टेक्स्ट है,
मैरिया मोंटेसरी, थियोडोर शेल और पॉल फरारे का पेडागोजी और ओप्रेस्ड की इन्होंने बात की है, और ये सेकंड वाला बी वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, इसका इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल की बात की है और मैरिया मोंटेसरी ने सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड की बात की है। हल्का हल्का इसको पढ़ लेना, शॉर्ट में आ सकता है, अदरवाइज बड़े क्वेश्चंस के लिए आपने इसमें से सेकंड वाला पार्ट करना है, दिस इज द सेकंड पार्ट, ठीक हो गया, राइट, सेक्शन ए। तो इट इज अ इजी वन, अगर इसका भी लगता है आपको, इफ यू यू नो व्हेन यू विल स्टार्ट एंड यू थिंक दैट कि ललित सर इसका कुछ नोट्स बना दो या वीडियो है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो आज से। अब देखो सेक्शन बी आ गया, सेक्शन बी का ना ये सिंपल एनसीईआरटी यूजीसी सीबीएसई, राइट, ये दीज यू आर फैमिलियर विद दीज ऑल द टर्म्स, तो इनमें से आप क्या करो, फिफ्थ और सिक्स पार्ट कर लीजिए, राइट, फिफ्थ पार्ट के अंदर दो जो कमीशन है, एजुकेशन कमीशन हैं दो, वन इज 1964-66 और दूसरा क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, राइट, तो व्हेन, हाँ, इसका ना करने का तरीका क्या है कि व्हेन यू आर यू नो स्टडी, व्हेन यू आर स्टडिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, तो जो भी रिकमेंडेशंस 1964-66 ने दी हैं, राइट, ओके, जो इसकी आप कह लो डीमेरिट्स होंगी 1964-66 की, जो भी डीमेरिट्स होंगी वो सारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की मेरिट्स बन जाएंगी, राइट, हाँ। उसके बाद आ गया आपका कंटेम्पररी एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन और एजुकेशनल प्रोग्राम्स, के बाद आप ये वाला पार्ट कर लो अपना, ठीक है, यूजीसी क्या चीज होती है आपको मालूम है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ओके, और यूजीसी का रूल क्या होता है, ऑल ऑफ द यू नो जितने भी कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, नॉट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज शुड बी एफिलेटेड विद द यूजीसी, अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी से एफिलेटेड नहीं है तो आप कहीं से भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड वगैरह करते हैं तो आपकी वैलिड नहीं होगी, राइट, तो यूजीसी क्या है, एक अपेक्स बॉडी है विच गिव्स द एक्रीडिएशन एंड रिकॉग्निशंस टू वेरियस यूनिवर्सिटी, राइट, क्लियर हो गया, यस, क्लियर। एनसीईआरटी क्या चीज होती है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी यू आर अवेयर दैट, मतलब सीबीएसई स्कूल के जितना भी सिलेबस होता है एनसीईआरटी सारा तैयार करती है, एनसीईआरटी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द स्टडी मटीरियल, सारा का सारा स्टडी मटीरियल, ये सारा का सारा इसी में होता है, बिकॉज कि इसका नाम ही है, देखो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राइट, एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी ये सारे ऑफिसेस दिल्ली के अंदर हैं, यूजीसी का ऑफिस भी दिल्ली में है, एनसीईआरटी का भी दिल्ली में है, सीबीएसई का भी दिल्ली में है, एससीईआरटी का हमारे चंडीगढ़ में है ऑफिस सेक्टर 8 में, तो ये मोहाली में है, राइट, और डाइट का भी पहले सेक्टर 17 में होता था, ये भी मोहाली में चला गया है, ठीक हो गया, राइट, तो एनसीईआरटी क्या करती है, एजुकेशन बुक्स वगैरह मटेरियल वगैरह ये सारा सिलेबस कैसा होना चाहिए, आपका भी ना पीछे एनसीएफ आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राइट, यानी कि अभी आप जो भी व्हाटएवर यू आर यू नो टीचिंग टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, वो सारा का सारा एनसीएफ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करवा रहे हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राइट, वो आया था 2014 में, तो एनसीईआरटी टेक्स केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई, राइट, अब एनसीटीई क्या करता है, जैसे सभी स्कूल्स का फर्स्ट क्लास से लेके प्लस टू तक एनसीईआरटी उनका एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग और उनका मटेरियल देती है, ऐसे ही जो बीएड के कॉलेजेस होते हैं, बीएड के कॉलेजेस को रिकॉग्निशन, बीएड के कॉलेजेस का फ्रेमवर्क, वो सारा एनसीटीई के अकॉर्डिंग होता है, राइट, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी यूजीसी से एफिलेटेड होनी चाहिए, वैसे ही आप इफ यू आर डूइंग अ बीएड कोर्स फॉर एग्जांपल या एमएड कोर्स, दैट शुड बी एक्रेडिटेड विद एनसीटीई, अगर एनसीटीई से एक्रेडिट है तो उस बीएड का आप ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड यू कैन यूज दैट, तो इन ए ब्रीफ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनसीटीई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रिकॉग्निशन टू दी बीएड कॉलेजेस एंड बीएड और एमएड कोर्सेज, ठीक हो गया।
सीबीएसई तो आपको पता है, यू ऑल आर अवेयर, राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट, ये जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, ये बोर्ड है एक सीबीएसई जो स्कूलों में एफिलेशन रिकग्निशन प्रोवाइड करता है. ओके, अब आ गया एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. एससीईआरटी क्या करती है, एससीईआरटी करती है जो जेबीटी का कोर्स होता है ना, जेबीटी मतलब इफ यू आर डूइंग बीएड, तो बीएड के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन. अगर आपने जेबीटी करनी है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है प्लस टू, आफ्टर प्लस टू यू डू द जेबीटी या ईटीटी, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग. मतलब जो स्कूल के अंदर ना थ्री टाइप्स ऑफ टीचर्स होते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टीचर. वन इज कॉल्ड नर्सरी टीचर विच टीच टू दी नर्सरी क्लासेस, राइट, एलकेजी एमकेजी नर्सरी प्री नर्सरी. सेकेंड टीचर इज कॉल्ड द प्राइमरी टीचर, दे टीच टू दी क्लासेस अप टू द फिफ्थ. सेकेंड थर्ड इज कॉल्ड द सेकेंडरी टीचर, दे टीच टू दी क्लासेस अप टू एट्थ नाइन्थ और टेंथ. जो एट्थ नाइन्थ टेंथ को पढ़ाता है उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बी एड. जो अप टू फिफ्थ तक पढ़ाता है उनके पास प्लस टू क्वालिफिकेशन एंड ईटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए, और जो नर्सरी को पढ़ाता है उनके पास एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए. तो जो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ, ईटीटी कोर्स होता है, ईटीटी कोर्स को एससीईआरटी मान्यता मतलब रिकग्निशन देती है. सिंपल टर्म में एससीईआरटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द एक्रेडिशन एंड रिकग्निशन टू द ईटीटी कोर्सेज, राइट. और डाइट भी इसी के अंदर आ गया, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ये सेम दोनों काम करते हैं ये, राइट. दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं दैट कम्स एससीईआरटी, और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग के वो थोड़े गवर्नमेंट के होते हैं उनके, राइट. तो इट इज अ वेरी इजी, यू आपको भी पता ही है, यू ऑल आर अवेयर, जस्ट आपको देखना तो हो जाएगा. तो ये दो आपके हो गए, राइट. उसके बाद नीचे एक्ट है, एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है, राइट, राइट टू एजुकेशन एक्ट कर लेना, राइट, शॉर्ट नोट के लिए. और इसमें से आ गया सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए, राइट. इस एसएसए का ऑफिस भी हमारे चंडीगढ़ में है, और एक और था रमसा, आरएमएसए, वो कहां गया, ये रहा नीचे, आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राइट. तो ये भी एजुकेशन के रिगार्डिंग है ना, ये बात करते हैं, राइट, ये शॉर्ट के लिए कर लेना. तो लॉन्ग के लिए आपके ये दो हो गए, ठीक है सिस्टर, क्लियर. थर्ड वन, यस, और फोर्थ हमारा हो ही गया था, हमारे यहां अभी मैंने फोर्थ आपको बता दिया था, राइट. फोर्थ इज एजुकेशनल रिसर्च करना है फोर्थ में, और यहां से रिसर्च प्रॉब्लम्स करनी है आपको, राइट. और सेकंड वाले यूनिट में से आपको करना है सैंपलिंग और रिसर्च टूल. ये जो रिसर्च टूल है ये सेम है जो साइकोलॉजी के अंदर है आपके, ठीक हो गया, राइट. और सेक्शन बी के अंदर आपको इसकी सारी थियरी करनी है सारों की, इसका कोई भी न्यूमेरिक नहीं करना. तो थियरी के अंदर मतलब नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन एजुकेशन क्या है इनका, और इन सारों की थियरी. और इसमें शॉर्ट के लिए एनपीसी, एनपीसी की प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन. और ये नीचे वाला क्वेश्चन ये मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी लेक्चर के अंदर, राइट, कि रिलेशनशिप क्या है इनका, कोरिलेशंस है, बड़ा सिंपल है वैसे, इट इज अ वेरी सिंपल वन, राइट. ओके सिस्टर, तो चारों पेपर्स का आज हो गया है, और इनमें से फिर भी अगर आपको इफ यू फाइंड एनी ऑफ द प्रॉब्लम, राइट, उसको समझना कैसे है, उसको नहीं दोबारा समझ आया, एनी टाइम यू कैन कॉल मी अप, ओके, आई विल सॉल्व योर क्वेरी ऑन द स्पॉट, राइट. अब जहां तक पेपर की बात है, पेपर आपके स्टार्ट होंगे अप्रैल के स्टार्टिंग में ही हो जाने हैं, फर्स्ट सेकंड अप्रैल को, ठीक हो गया, राइट, ठीक हो गया. और हाँ जी सर, वन डाउट, हाँ जी बोलिए बोलिए. सर कॉलेज, हाँ जी सर, कॉलेज रोल नंबर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड इज इट? हाँ मैं आपको दे दूंगा हॉल टिकट जो आएंगी ना, आई विल प्रोवाइड यू द हॉल टिकट. कॉलेज रोल नंबर नहीं चलते, हॉल टिकट चलेंगी उस टाइम ना, जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर देती है. पेपर खत्म होते हैं, ठीक है, पेपर खत्म होने के बाद आपका एक प्रैक्टिकल है पेपर टू का, ये रहा साइकोलॉजी ऑफ एग्जाम्स के बाद, थ्योरी के बाद होगा आपका साइकोलॉजी, इसका प्रैक्टिकल होगा आपका, ठीक है,
ये देखो ये लिखा हुआ है 20 नंबर का प्रैक्टिकल है आपका एक्सटर्नल, ठीक है। और इसके अंदर आपको ना चार टेस्ट हैं, ये आपकी ना फाइल्स वगैरह बन रही हैं, मतलब आई हैव द टीम, तो माय टीम इज यू नो मेकिंग द फाइल, ओके, वंस इट वुड बी क्लियर। तो इनफैक्ट अभी ना टुमारो मतलब आई सेंड यू ऑल द फोर टेस्ट, व्हाट यू हैव टू डू, इसका सिर्फ आपको यू हैव टू डिपोजिट द फाइल और आपका सिर्फ वाइवा होगा, ओके। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से आपको कोई भी चार टेस्ट आपको करने हैं, मतलब उन टेस्ट को आपने यू हैव टू परफॉर्म राइट, और उसको आपको लिखना है। तो इट इज ए इजी वन, वर्बल नॉन वर्बल पर्सनैलिटी, व्हेन यू विल स्टार्ट तो आपको पता लग ही जाएगा इनका, ठीक हो गया राइट। तो शुड आई स्टार्ट, जो हमारा लेफ्ट रह गया था, हमारा लेफ्ट पार्ट एजुकेशन उसका, रिसर्च का, हाइपोथेसिस और कोरिलेशन का, शुड आई स्टार्ट? यस, ओके, डन। So today we are going to discuss about the another topic is called hypothesis.